Hello friends, I am Rahul and welcome to the channel ECLE. Everybody can learn English, you can learn English. स्वागत है आपका ECLE की इस क्लास में, शानदार धमाकेदार इस क्लास में, और मैं वही एनर्जी के साथ धमाकेदार क्लास मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपके बीच में। और आज हम पढ़ेंगे, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम जितने भी वर्ड्स के नेम है, ऑल दी वर्ड्स नेम जितने भी किसके वर्ड्स के नेम हैं सबको हम हिंदी और अंग्रेजी में जानेंगे, सीखेंगे और इस क्लास में। और जितने भी वर्ड्स हैं मैं आपको बता दूं कि कुछ तो मुझे भी पता नहीं है, नेम मैंने भी पहली बार सुने हैं, लेकिन हमने उनको कहीं ना कहीं देखा है। लेकिन मैंने जब मैं इसकी PDF बना रहा था तो तब मुझे इसको समझ आया कि इतने प्रकार के भी वर्ड्स होते हैं। तो आज लगभग कितने आपके 50-48 वर्ड है, 48 वर्ड हैं। जितने वर्ड्स हैं मैंने सारे के सारे कवर करने का प्रयास किया है। और इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखना, उसको सर्च करना, ठीक है, उन वर्ड्स के बारे में, ठीक है, सर्च करना और अच्छे से नॉलेज गेन करना, क्योंकि PDF में जितना पॉसिबल था मैंने उतना बताया। और हाँ, ध्यान रखना, इसको बहुत अच्छे से इसको रिमेम्बर करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि हम इसको कभी भूले नहीं, यूज़ कर पाएँ। और इसको PDF को बनाने में मुझे 3 घंटे लगे हैं, कल रात में मुझे रात के 2 बजे तक मैं इसकी PDF आपके बीच में बनाता रहा, आपके बीच में नहीं मतलब रात में बनाता रहा। और आज मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ आपके बीच में, तो बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। तो आई होप कि यह आप मेरी मेहनत को आप थोड़ी सी रिस्पेक्ट करें, और कृपया वीडियो को आप बिल्कुल अंत तक देखें, कहीं छोड़ कर ना जाएं। और मैं इसकी PDF भी उपलब्ध करा दूंगा, आप बस मुझे मैसेज करना है कमेंट बॉक्स में, जिसको PDF चाहिए तो मैसेज कर देना, तो आपको आसानी से PDF मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के और चलते हम PDF वाली क्लास में। सो थैंक्स फॉर कमिंग दी PDF ऑफ वर्ड्स वोकैबुलरी हिंदी एंड अंग्रेजी में, आपका स्वागत है यहाँ तक आने के लिए। और यह जो PDF मैंने जो तैयार की है, यह लगभग 3 घंटे लगे बनाने के लिए, और मैंने प्रयास किया है कि कुछ इमेज लगाने का और हर तरीके से। तो आई होप कि आपको पसंद आएगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा टाइम लगा है, स्पेंड किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा देखना अंत तक, क्योंकि बहुत नॉलेजेबल चीज़ है, एज वेल एज ये इसमें मेरा हार्ड वर्क है। मैंने अभी तक कभी नहीं बोला कि इसमें मैंने मेहनत की, लेकिन इस PDF को बनाने में बहुत बाकायदा में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। और एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो आई डोंट लाइक टू टीच बाय द PDF, मुझे PDF से पढ़ाना मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मुझे PDF बना इसलिए मैं बना रहा हूँ आपके बीच में, ताकि जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, जो कम से कम आप उनकी वोकैबुलरी है जो याद हो सके, क्योंकि उनमें ज़्यादा आई डोंट कंसीडर डैट यू विल टेक द लॉट ऑफ द टाइम, इसमें आप ज़्यादा टाइम लेंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी है, देख लो, ठीक है, वर्ड्स वोकैबुलरी है, ठीक है, हिंदी एंड अंग्रेजी लोगो लगा चैनल का। और प्लीज़ इसलिए मैंने कि यदि आप चैनल पर नए हो तो फिर भी आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। और चलते हैं फिर हमारी वोकैबुलरी के पास में, किसके पास में, वोकैबुलरी की। तो देखो, दिख रही है आपको, एक मिनट, हाँ तो आपको दिख रहा होगा, हाँ तो देखो, फर्स्ट वह है वर्ड नेम हिंदी एंड अंग्रेजी, ठीक है। तो मैंने ऐसी कुछ पिक्चर्स लगाई हैं जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने देखा है तो मैंने उनको नहीं उनको लगाया है, उनको मैंने ये सोचा कि चलो आप जानते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैं, मतलब 48 वर्ड हैं, और एक PDF में बनाना एक प्रकार से आई थिंक डैट थोड़ा सा डिफरेंट और संभव सा मुझे नहीं लग रहा था। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट देखो क्या है, एडजुटेंट मीन्स होता है सारस। तो ये देखो, इस वर्ड को आप बहुत ध्यान से देखना, सारस, तो ये कम से कम आपका 2 से 3 जगह ये रिपीट होगा, ठीक है। तो ये इसकी मैंने एक पिक्चर लगाई है, ठीक है, अलग अलग वैरायटी हो सकती है वर्ड्स की, मुझे उतना नॉलेज नहीं है। तो ये जो पिक्चर ये क्या है, एडजुटेंट मीन्स सारस है, और एक नीचे देख लो, एक क्रेन,
CRN क्रेन, क्रेन मतलब ही क्या सारस होता है। तो मैंने एक ही पिक्चर लगाई इसमें ताकि आपको ये अच्छे से पता चले कि यह सारस है। ये आप दिख रहा है कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है सारस पानी में, तो ये सारस है, सारस है, ठीक है। नेक्स्ट है बैट, बैट आपने देखी चमदा, चमदागढ़ आपने देखी होगी आई थिंक डैट। तो बैट मीन्स क्या होता है, चमदागढ़ होता है। बैट मीन्स क्या, चमगादड़, ठीक है, चमगादड़, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट, इसको हम चमदागढ़ बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, बिटरन, बिटरन मीन्स होता बगुला, बगुला जानते हो पानी में रहता है बगुला, तो आई होप इसको भी देखा होगा। नेक्स्ट है चिकन, चिकन मीन्स चूजा, आप देखे होंगे आपने मतलब मुर्गी के चूजा रहते हैं, ठीक है। और कॉक मीन्स क्या होता है, कॉक मीन्स होता है मुर्गा, क्या है कॉक मीन्स मुर्गा। मैंने क्रेन, मैंने आपको पहले बताया क्रेन मीन्स क्या होता है, क्रेन मतलब होता है सारस, क्या होता है सारस, ठीक है। तो मैंने एक लिया है, एक पिक्चर ली है, आपको समझ जाओगे। क्रोमिस कौआ आपने देखा है, आई होप आपने देखा होगा। और कुकू, कुकू मीन्स होता कोयल, कुकू मीन्स क्या होता है कोयल होता है। तो ये बिल्कुल बेसिक वोकैबुलरी है, ठीक है, बिल्कुल एडवांस नहीं है। और मैंने लेकिन इसको भी मैं एडवांस इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा एडवांस के रूप में कि मैं आपको सारा एकदम, अब एक वीडियो इसको देखने के बाद आपको ज़रूरत ना पड़े कोई अलग वीडियो देखने की, मैं ऐसा समझता हूँ आपको कोई ऐसी ज़रूरत ना पड़े अलग वीडियो देखने। तो आई होप आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, छोटे छोटे वर्ड हैं आप नोट कर लेना, ठीक है, आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट स्लाइड देखो क्या है, नेक्स्ट स्लाइड देखो, तो नेक्स्ट स्लाइड देखो, बहुत खूबसूरत से वर्ड्स दिख रहे हैं मुझे, तो जब मैंने वर्ड लगाए थे तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी, पता नहीं चला कैसे 3 घंटे निकल गए। तो देखो दूसरा है क्या है, सिग्नेट, सिग्नेट मीन्स होता है हंस, सिग्नेट मीन्स क्या होता है हंस, SIGNET, सिग्नेट मीन्स क्या होता है हंस, कितनी मस्त लग रहा है ना। तो सिग्नेट मीन्स क्या होता है, हंस होता है सिग्नेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो कोकाटू, कोकाटू मीन्स होता है इस एक प्रकार का ककोगा, या इसको हम कबूतर ही बोलते हैं, वाइट कलर का एक वाइट ककोगा। तो इसकी मैंने इमेज लगाई है, देखो लगाइए, ये लगाइए इमेज लगाइए ना कोकाटू के, वाइट, ये वाइट कलर कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, लग रहा है ना आपको, ये कोकाकू, इसको हम वाइट कौआ ये बोल सकते हैं, कबूतर बोल सकते हैं, लेकिन ये वाइट रहता है, ठीक है, आए समझ में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है डोब, डोब मीन्स भी कबूतर होता है, ठीक है, इसका मैंने नहीं लगा पाया। अब देखो दो चीज़ें, एक है डक मतलब बतख, बतख होता है मादा, और दूसरा है ड्रैक। तो दो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो डक मीन्स होता है बतख, मादा रहती है, और ड्रैक मीन्स बतख, नर रहता है। तो देखो मैंने डक और ड्रैक की मैंने लगाई है, तो मैं आपको बताऊं कि मैं इनमें आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं कि कौन नर है कौन मादा है, मैं सच में बताऊं, बच्चे होता है इनके एक प्रकार है, ठीक है। तो कौन नर है और कौन मादा है मैं आपको क्लियर नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन आई थिंक डेट शायद ये नर होगा ये मादा होगी, आई थिंक, मतलब मैं सही भी हो सकता हूँ गलत भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो डकलिंग, डकलिंग कहाँ है, डकलिंग मीन्स होता है बतख का बच्चा, बतख का क्या बच्चा होता है उसे हम डकलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं डकलिंग, जैसे हम बतख देखे होगा ना, बतख देखे होगा ना आपने, तो उसको हम क्या बोलते हैं बतख का बच्चा बोलते हैं, ठीक है। ईगल, ईगल आप जानते ही हो, ईगल मीन्स होता है चील, ईगल मीन्स क्या होता है चील होता है, उसे हम क्या बोलते हैं चील बोलते हैं ईगल को। नेक्स्ट है एग, एग मीन्स होता है अंडा, अंडा जानते हो आप, जानते ही हो अंडे खाते हैं अंडे, एग मीन्स क्या होता है अंडा। नेक्स्ट है फॉलकॉन, फॉलकॉन, फॉलकॉन मीन्स क्या होता है बाज, फॉलकॉन को हम क्या बोलते हैं इसे बाज बोलते हैं हम। फाउल, फाउल मीन्स भी मुर्गा होता है। तो कुछ मीनिंग्स ऐसे रहेंगे जो आपको बार 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 रिपीट होंगे, फाउल मीन्स भी क्या होगा ये मुर्गा होगा, ठीक है, आया समझ। अब देखो तो हमने क्या क्या देख रहा, सिग्नेट मीन्स हंस, कोकाटू मीन्स कौआ, ये मैंने इमेज लगाई है, डॉब मीन्स कौआ, डक मीन्स बतख मादा ये है, ठीक है। डकलिंग मीन्स होता है बतख का बच्चा, नर मीन्स क्या होता है नर मतलब होता है सॉरी ड्रैक मीन्स क्या होता है डी आर ड्रैक मीन्स होता है बतख है ये नर रहता है। ईगल मीन्स होता है चील, ठीक है। एग मीन्स अंडा, बाज, फॉलकॉन मीन्स बाज, और फॉल मीन्स क्या होता है मुर्गा, फॉल मीन्स क्या होता है मुर्गा। तो ये सब क्या है वर्ड्स हैं, ये सब क्या है ये वर्ड्स हैं, दीज आर दी वर्ड्स, ये सब क्या है ये हमारे वर्ड्स हैं। तो आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, या फिर मैं आपको इसकी PDF जो फाइल है मैं इसकी उपलब्ध करा दूंगा आपके लिए, ठीक है, ओके चलो हाँ इसकी उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। ओहो ये क्या हो रहा है यार, अभी थैंक यू नहीं बजाना हमें, हाँ हाँ
मस्त मस्त फाइल बनाई है, ठीक है। हाँ ये है नेक्स्ट वाला, देखो ये देखो, ये देखो नेक्स्ट वाला देख लो आप लोग, ठीक है। इसको मैं, हाँ तो देखो, अब देखो गूज, GOOS, गूज, गूज मीन्स बतख, मैंने कहा बतख, ठीक है। तो कुछ की मैं यूज नहीं लगा, मैं गूज मीन्स का होता है बतख, होता है क्या होता है बतख, इसको बतख बोलते हैं। हॉक, HOW का हॉक, हॉक मीन्स क्या होगा, हॉक मीन्स होगा बाज, गूज मीन्स बतख, हॉक मीन्स बाज, और हैंड मीन्स क्या मुर्गी, हैंड मीन्स क्या मुर्गी होगी, ठीक है। और देखो हेरोन, हेरोन मीन्स होता बगुला, ठीक है, हेलो मीन्स बगला। अब देखो तीन चीज़ें देखो, मुख्य तीन चीज़ देखो, देखो तो देखो जय, तो जय मीन्स होता है नीलकंठ, ठीक है, और किंग फिशर मतलब भी होता है नीलकंठ, और मैकपाई मतलब भी होता है नीलकंठ। मैं आपको जय, किंग फिशर, मैकपाई, तो देखो मैंने इमेज लगाई है, तो ये आपका मैकपाई, इसको हम नीलकंठ बोलते हैं, एक किंग फिशर, इसको हम नीलकंठ बोलते हैं, लेकिन ये क्या करता है, आपने देखा होगा कि मछली को खाता है, एक एक इसको खाता है मछली को, तो इसकी देखो नाम तो एक है, लेकिन इसकी वैरायटी है अलग अलग। ये मैकपाई, ये इसका कलर कैसा है, ये मैकपाई कलर कैसा है, मैकपाई कलर थोड़ा ब्लैक है, थोड़ा वाइट सा है, ठीक है। किंग फिशर का देखो कितना अपनी चोंच में जो बीक है उसकी, उसको क्या दवाएँ, दवाएँ मछली दवाएँ, ठीक है, तो उसको किंग फिशर बोलते हैं, क्योंकि किंग को उसको मतलब किंग फिशर उसे हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो मछली की मानने में क्या राजा बोल सकते हैं। नेक्स्ट है जय, ये जय देखो, जय देखो, जय तो कितना मासूम लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है, जय क्यों, जय अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, ये जय है, ठीक है। तो ये मैकपाई, किंग फिशर एंड जय, इसका तीनों का मतलब नीलकंठ होता है, लेकिन मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने अलग अलग इमेज लगाई ताकि कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सको आप अच्छे से, ठीक है, आए समझ में। अब देखो काइट, काइट मीन्स होता है झील, काइट मीन्स सॉरी, काइट मीन्स होता है चील, ठीक है, काइट मीन्स का KIT, काइट मीन्स होता है चील, और लार्क, LARK, लार्क मीन्स होता है लबा, तो लार्क, लार्क इसकी मैं इमेज नहीं लगा पाया, लेकिन मैं लगाऊंगा, ठीक है, आप सर्च कर सकते हो LARK, लार्क, आपको समझ में आ जाएगा आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है इसमें कि हम लोग एक अपनी देसी भाषा रहती है तो उनको कुछ अलग अलग बोलते हैं, बर्ड्स हम पुकारते हैं, जो रीजनल लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज समझते हैं ना आप, जो कि क्षेत्रीय भाषा रहती है तो हम उसको अलग अलग प्रकार से बोलते हैं ना, बताइए, बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखो आसानी के साथ में नेक्स्ट देखो, तो नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट देखो क्या लिखो, मैना, मैना, मैना जानते हो, मैना मीन्स होता मैना, आपने देखा होगा तू तोता, तू मैना, ठीक है, तो मैना, तो मैना हमीस, मैं इसका जो प्रोनंसिएशन है मैना एक ऐसा ही है, इसका मतलब मैना होगा, ठीक है। अब है मकाव, मकाव मीस होता है मकाव भी तोता, अब इसको क्यों मकाव बोलते पता नहीं है, देखो ये देखो मकाव, इसको ये है, ये तो मकाव शायद ये भी तोता ही है, लेकिन इसके देखो इसके कलर देखो कितने हैं, इसका एक ब्लू है, ठीक है, आप देखिए ये कौन सा रेड सा भी कलर है, और थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का भी, येलो टाइप का भी दिख रहा, तो इसको हम क्या बोलते हैं मकाव बोलते हैं, कितना ब्यूटीफुल ऐसा है, इसको हम क्या बोलते हैं मकाव, इसे हम बोलते हैं मकाव, मतलब मका भी तोता, मतलब इसमें ज़्यादा कलर है, लेकिन जो सामान्यतः जो तोता रहता है वो कैसा रहता है, सामान्य तौर से जो तोता रहता है वो उसको उसको हरा रहता है, ग्रीन कलर का, इसको मका बोलते हैं, मकाव, मक्याव, ठीक है, तो इसको मका भी तोता बोलेंगे। नेक्स्ट इज दैट नाइट ट्रायंगल, नाइट ट्रायंगल मीन्स होगा बुलबुल, बुलबुल जानते हो, नाइट ट्रायंगल मीन्स होता है बुलबुल होता है, ठीक है, ठीक है। तो हम जो चीज़ हमने देखा है, लगा सुना है, तो उनको मैंने उसकी बर्ड इमेज मैंने इग्नोर किया, उनको ज़्यादातर देखा होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको पता नहीं है सर्च करना क्या नाइट ट्रायंगल, नाइट ट्रायंगल मीन्स बुलबुल होता है। नेक्स्ट ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच मीन्स मतलब होता है शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग जानते हैं, ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग, अगर नहीं देखा हो तो आप गूगल पर सर्च करते हैं, तो ऑस्ट्रिच मतलब होता है शुतुरमुर्ग, ठीक है। ओल, ये तो हम बचपन से सुनते हैं, ओल, ओल मीन्स उल्लू, सुना है ना, उल्लू के तू तो उल्लू है, देखा मतलब देखा हो चाहे ना हो, देखा हो लेकिन सुना है, और हमने अल्फ़ाबेट्स में ही पढ़ा, ओल मीन्स उल्लू, हिंदी के अल्फ़ाबेट्स में ऊ उल्लू का पढ़ा है ना, ऊ उल्लू का, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोलते उल्लू है तो उल्लू बना दिया, तो ये तो फेमस है। पैरट, पैरट मीन्स तोता होता है, आपको देखा ही होगा, ठीक है,
देखो अब जो है पेट्रिज, पेट्रिज है तीतर, तो ये कहलाता है तीतर। ये दिख रहा है ना कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, ये इमेज दिख रहा है ना ये, तो पेट्रिज, पेट्रिज मीन्स क्या होता है, तीतर होता है। तो इसको हम तीतर, इसकी इमेज तो कितनी मस्त लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, पेट्रिज बोलते हैं। दिस इज़ द पेट्रिज, दिस इज़ मकाव। नेक्स्ट जो पीकॉक, पीकॉक मीन्स मोर, मोर देखा है ना आपने, देखा है बताओ, देखा है बिल्कुल देखा है। पी हैन मीन्स मोरनिंग, पी हैन मीन्स क्या होता है, मोरनिंग होता है, पी हैन, ठीक है, पीहन मीन्स होता है मोरनिंग, ठीक है, तो इसको हम पीहन बोल सकते हैं। और पीकॉक मीन्स होता है मोर, तो पीहन, पीकॉक मीन्स मोर और पीहन मीन्स मोरनी, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं मोहनी, मोरनी सुंदर है, तो पीहन इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, या मोर सुंदर है तो पीकॉक इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। नेक्स्ट इज पिजन, पिजन मीन्स होता है कबूतर, जानते हैं आप पिजन, पिजन मीन्स हम क्या हम बताए, पिजन मीन्स होता है कबूतर, आपको पता ही है। तो हमने क्या 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 कर लिया, देखो क्या क्या पढ़ दिया, देखते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं डबल डबल, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो मैना, मकाव, मकावी तोता, ठीक है, नाइटेंगल बुलबुल, आउटस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग, ओल, उल्लू, पैरेट, तोता, पेट्रिज, इसमें डी साइलेंट है, तो इसको हम चकोर या तीतर बोलते हैं, चकोर या चकोर या तीतर बोलेंगे। पिकॉक, मोर, पीहन, मोरनी, पिजन एंड कबूतर। सो आई होप के आपको अच्छे से इसको समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है, मुझे विश्वास है, अच्छे से आशा और विश्वास है पूरी तरीके से, ठीक है। अब देखो इसमें भी तीतर है, देखो इसमें मैंने 5-6 बर्ड, मतलब देख लो इसमें थोड़ी मैंने ज़्यादा इमेज का यूज़ कर लिया, ठीक है, मैं सोचा चलो ठीक है, तो देखते हैं। तो देखो सबसे पहले देखो फीजेंट, फीजेंट इसमें मैंने लगभग सारी मैंने वो लगाई इमेजेस लगाई हैं, 5 इमेज दिख रही हैं। तो पीहन, पीहन मीन्स होता है तीतर। अब तीतर कैसा होता है, अब मैं वैसा तो क्लियर कर नहीं पाता, तो मैंने ये लिख दिया पीहन, ये तीतर, ये भैया इसको हम तीतर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो कोयल, कोयल मीन्स बटेर, कोयल मीन्स होता है बटेर, ये कोयल है, मतलब ये चिड़िया जैसे रहती है ना, ये जैसे स्पायर है, तो लेकिन इससे मोटी रहती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कोयल बोलते हैं, कोयल, कोयल मीन्स होता है बटेर, ठीक है। रॉक, रुख, रुख मीन्स होता है डोम कौगा। अब मैं हिंदी मीनिंग्स भी इसकी थोड़ी सी अलग अलग हैं, हिंदी मीनिंग्स का इसके अलग अलग हैं, तो इसको रॉक मीन्स होता है डोम कौगा, रॉक दिख रहा है ना, डोम कौगा दिख रहा है, और रॉक कहाँ है, तो ये है रुख, रुख, ठीक है, आर डबल ओ के रूख, तो इसको डोम कौगा आप पता नहीं क्यों बोलते हैं, लेकिन मैंने इसकी इमेज लगाई है, रूख मीन्स डोम कौगा, ठीक है। और दूसरा है रेवन, रेवन मीन्स होता है पहाड़ी कौगा, ये है रेवन, ये दिख रहा है ना, ये रेवन, इसकी देखो ये थोड़ा सा मोटा है, इसकी चोंच है जो बीक है, इसकी थोड़ी सी मोटे मोटाई है, लेकिन इसके रूख की देखो, रूख की कैसा है, रूख, रूख बिल्कुल पतला है, मतलब पतला है ना, थोड़ी सी इसकी चोंच देखो थोड़ी सी लंबी है, चोंच क्या है इसकी लंबी है, ठीक है। स्पैर, स्पैर जानते हो, स्पैर मीन्स गौरैया, जो हमारे यहाँ चिड़ियाँ रहती हैं, ठीक है, शाम को हमारे यहाँ भी गौरैया हैं, ठीक है, मैंने आपको दिखाया भी है। और स्टॉर्क मीन्स होगा सारस, होगा स्टॉर्क मीन्स सारस, तो मैंने बोला था रिपीट होगा, तो मैंने सारस की जो इमेज है जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, तो कितनी मस्त लग रही, पी हैंट, फी हैंट, ठीक है, कोयल, ठीक है, रॉक, रेवन एंड स्पैरो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप सारस देखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं दिखा दूंगा सारस कहाँ है, वेर इज सारस, वेर इज सारस, 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 ये है सारस, सारस इस प्रकार का रहता है, ये देखो एडजेंट रहता है ना इस प्रकार का, ये है, ये क्या है, ये सारस है अपना, ये क्या है, इसे हम सारस बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे हम, इसे हम बोलेंगे सारस, साम या कि रास, सारस, ठीक है। तो ये तो स्टॉर्क, ये भी इसकी इसकी जो कैटेगरी है लगभग क्या है, सेम है, ठीक है, तो देख लिए हम लोग, ये जय बाबू है, ठीक है। तो इतनी मस्त, ठीक है, वोकैबुलरी और सुनने में कितना मस्त लग रहा है, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स और रहेंगे, चलो उनको भी देख लेते हैं और बिना टाइम वेस्ट किए तो चलते हैं नेक्स्ट, ओके। तो देखो वो हो, हाँ हम तो नेक्स्ट चलते हैं, चलो तो देखो शौर, शौर मीन्स क्या होता है, एक मिनट रुकना, हाँ हाँ देखो, तो मैंने इसके सबसे वर्ड लगाए हैं, तो एस ए एस डब्लू एस डब्ल्यू ए डबल एस, सोल, सोल मीन्स होगा अलवेली चिड़िया, अलवील चिड़िया, अब देखो कितनी मस्त लग रही है अलवील चिड़िया, देखो कितने शौर अलवील चिड़िया, ठीक है।
शॉन, शॉन मीन्स होता हंस, हंस कहाँ दिख रहा, ये है हंस भाई अपना हंस, हमने शायद पहले इसका वर्ड सुना है ना, शॉन सुना है ना, शॉन हंस, ठीक है। नेक्स्ट इज द वल्चर, वल्चर वल्चर मीन्स होता है गिद्ध, वी यू एल टी ई आर, ये वल्चर मीन्स क्या होता है, गिद्ध, ये है गिद्ध है अपना, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट वीवर वर्ड मीन्स बाया, वीवर वर्ड मीन्स होता है बाया, तो ये भी एक एक प्रकार का पक्षी घोंसला बनाता है ये, और मतलब हमारे यहाँ तो मैं सागर से हूँ तो एक पार्क भी है इसके नाम से, बाया इको पार्क, बाया क्योंकि बाया नाम का पक्षी हमारे यहाँ पाया जाता है। दूसरा है वुड पैकर मीन्स कंठ फोड़ा, इसको और मतलब आपकी जो जो रीजनल लैंग्वेज है आपकी क्षेत्रीय भाषा उसको पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन इसको हम कठफोड़ा बोलेंगे, क्या कठफोड़ा मतलब कठ मीन्स वुड, वुड पैकर। तो ये देखो ये जो चिड़िया है, ये जो पक्षी है देखो बर्ड्स है, तो देखो ये क्या वुड को उसकी जो वीक है चोंच उससे क्या उसका फोड़ रही है, इसको हम इसलिए इसको शायद हम वुड पैकर बोलते होंगे, क्या बोलते हैं, वुड पैकर बोलेंगे बोलते होंगे। तो आपको समझ में आया, आई होप के आपको समझ में आ गया होगा। तो स्पैरो मीन्स अलविली चिड़िया, स्वान मीन्स हंस, वल्चर मीन्स गृद, बीवर मीन्स बाया, वुड पैकर मीन्स कठफोड़ा। तो दिस वॉज द वॉट, दिस वॉज द वोकैबुलरी ऑफ दी वर्ड्स, ये आपकी वर्ड्स की क्या थी, आपकी वोकैबुलरी थी, ठीक है। तो आई होप के आपको ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, और एक बार रिवाइज करना हो तो आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। और मैंने कोशिश किया है कि आपको अच्छे से समझाने का और एक्सप्लेन करने का, और यदि आप इसकी PDF चाहते हो, इफ़ यू वॉन्ट टू हैव द PDF, सो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएँ। और यह आपकी क्लास थी, आपको क्लास कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी वाला बटन दबा लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि आपकी लेटेस्ट वीडियो हो जो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी बेसिक वोकैबुलरी की क्लास में, तो मिलते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना खूब सारा ख्याल रखें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और मैं अब ठीक हूँ, मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अभी जो PDF वाली जो क्लासेस मैं चला रहा हूँ, इसमें क्या बेसिक में तो इकट्ठी क्या दिक्कत क्या है कि मैं इसको बोर्ड पर नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं बोर्ड पर पढ़ाऊँगा तो इसमें टाइम लगेगा, इसलिए PDF बनाने में टाइम लगेगा। तो जिसकी वजह से हो सकता है आपकी और भी जो क्लासेस अभी कुछ दिन और ना आए, लेकिन जैसे ही हम ये ख़त्म करेंगे हम शानदार तरीके से और अच्छी क्लास करेंगे, ठीक है। तो यदि फिर भी आप कोई चाहता है कि यस कि मुझे क्लास देखनी है तो मुझे बताओ, मैं अपना टाइम निकाल कर ज़रूर मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही आप सीखते रहें।